भारत में सभ्यताओं के सबसे पुराने रिकॉर्ड हमें सिंधु घाटी सभ्यता से मिलते हैं, जो करीब आज से 4000 साल पहले अखंड भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में बहने वाली सिंधु नदी के किनारे बसी थी। इस पूरी सभ्यता की लाइफलाइन यह नदी ही थी, लेकिन जब समय के साथ जलवायु परिवर्तन के चलते यह नदी सूख गई तो सिंधु घाटी की सभ्यता का भी अंत हो गया। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के बाद प्राचीन भारतीय इतिहास में एक खालीपन देखने को मिला, लेकिन इसे आप तूफान से पहले की शांति समझ सकते हैं, क्योंकि इसके बाद जो सभ्यताएं भारतीय जमीन पर बननी शुरू हुई उसने एक नए मनुष्य जीवन की शुरुआत की, जो उस दौर के जीवन से कहीं आगे था, क्योंकि इस दौरान जन्म हुआ वैदिक सभ्यता का। और ये वही काल है जब भारतीय जमीन पर दुनिया के सबसे पुराने दस्तावेज लिखे गए, जो हिंदू धर्म के सबसे पुरानी और सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेजों में से एक है। वैसे अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं वेदों की बात कर रहा हूँ, जो हजारों साल के बाद भी आज इंसान को जीने का तरीका और सलीका सिखा रहे हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैदिक काल और वैदिक सभ्यता के बारे में जानने वाले हैं, जिसमें हम जानने की कोशिश करेंगे कि वैदिक काल कैसा था और उसमें लोगों का रहन सहन कैसा था। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। 1800 BC यानी आज से 3800 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हो गया था, जिसके बाद करीब 200 सालों तक भारत की जमीन पर कोई बड़ी सभ्यता उभर कर नहीं आई। लेकिन 1500 BC में कुछ अजीब हुआ, क्योंकि इस समय अचानक भारत में एक नई सभ्यता का जन्म हुआ, और यही वह सभ्यता थी जिसने आगे चलकर वेदों की रचना की, और इसीलिए इस सभ्यता को रिसर्चर द्वारा वैदिक सभ्यता का नाम दिया गया। इस वैदिक सभ्यता ने वैदिक काल में 4 वेदों की रचना की, जिनमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद है। रिसर्चर्स का कहना है कि वैदिक सभ्यता के निर्माता आर्य नाम के हिंदू धर्म को मानने वाले विदेशी थे, जो 1750 BC में भारत आए थे। लेकिन ज्यादातर रिसर्चर्स इस थ्योरी के खिलाफ है। उनका कहना है कि आर्य और कोई नहीं बल्कि भारत के ही मूल निवासी थे, जिन्होंने 1500 BC यानी आज से 3500 साल पहले ग्रुप बनाकर रहना शुरू किया था। आर्कियोलॉजिकल प्रूफ के आधार पर वैदिक काल 1500 BC से 600 BC तक रहा। वैदिक काल पूरी तरह से वेदों पर आधारित था, जिसे रिसर्चर्स द्वारा दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला वैदिक काल, जो 1500 BC से 1000 BC तक रहा, और दूसरा उत्तर वैदिक काल, जो 1000 BC से 600 BC तक चला। और इस वीडियो में हम एक एक करके इन दोनों काल और इनके सभ्यताओं के बारे में जानेंगे। शुरुआत करते हैं वैदिक काल से। तो जैसा कि मैंने बताया कि इस काल की शुरुआत 1500 BC में हुई। वैदिक काल के बारे में हमें सबसे ज्यादा ऋग्वेद से पता चलता है, क्योंकि यह वही दौर था जब सबसे पहले वेद यानी ऋग्वेद की रचना की गई थी। ऋग्वेद की माने तो इस समय तक प्राचीन भारतीय इतिहास में थोड़े थोड़े रूप से राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। इस काल में लोग कबीले बनाकर रहते थे, और यह कोई छोटे मोटे कबीले नहीं बल्कि कबीलों का बहुत बड़ा समूह हुआ करता था, जिसे वैदिक काल में जन कहा जाता था। और हर एक जन का प्रतिनिधित्व उस समय एक राजा किया करता था, जिसे उस समय राजन कहा जाता था। पर वैदिक काल में जन यानी कबीलों का राजा बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं होता था, बल्कि उसे बहुत ही कम और सीमित शक्तियां दी जाती थी। और वैदिक काल में किसी बड़ी सेना का प्रचलन भी नहीं था, बल्कि जरूरत पड़ने पर आम लोग ही सेना बनकर राजा के कहने पर अपने कबीलों की रक्षा करते थे। आपको जानकर हैरानी होगी, पर वैदिक काल में जन यानी कबीलों के राजा काफी ज्यादा गरीब हुआ करते थे, क्योंकि उस समय कर यानी टैक्स जैसी कोई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि लोग अगर अपनी मर्जी से चाहे तो ही राजा को कुछ दे सकते थे। वैदिक काल में राजाओं को कोई फैसला अकेले सुनाने की भी कोई ताकत नहीं दी गई थी, बल्कि राजा को किसी फैसले को सुनाने से पहले कई संस्थाओं जैसे समिति, सभा, विदित, गण और अधिकारियों से सलाह लेनी पड़ती थी। और अगर इन संस्थाओं ने किसी फैसले को मानने से इनकार कर दिया तो राजा की भी बात नहीं मानी जाती थी। समिति तथा सभा जैसी संस्था को तो अथर्ववेद में राजा की दो बेटी कहा गया है, यानी उस समय यह दो संस्थाएं राजा के फैसलों में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हुआ करती थी।
इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि राजा के फैसले में कई बड़े अधिकारी भी अपनी राय देते थे, तो उन अधिकारियों को वैदिक काल में रत्निन कहा जाता था। इस काल में रत्निन की संख्या 7 थी। इन अधिकारियों में सबसे मुख्य पुरोहित होते थे जो राजा को धार्मिक सलाह दिया करते थे। इसके अलावा सेनानी सेना का प्रमुख होता था जो सैन्य मामलों में राजा की सहायता करता था, और इसके अलावा भी आर्थिक और सामाजिक मामलों में जुड़े कई अधिकारी इनमें शामिल किए जाते थे। इसे आप एक तरह का मंत्रिमंडल कह सकते हैं, जैसा आज के समय भारतीय राजनीति में होता है। पूर्व वैदिक काल में समाज के लोगों के पास ज्यादा आर्थिक संपत्ति नहीं हुआ करती थी, इसीलिए इस काल में समाज समतावादी था। कहने का मतलब है कि इस समय में लोगों में आपस में ज्यादा भेदभाव देखने को नहीं मिलता था। पर वैदिक काल वही समय था जहां पर पहली बार वर्ण व्यवस्था यानी जाति व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। ऋग्वेद में 10वें भाग में हमें इस पूरी वर्ण व्यवस्था का जिक्र देखने को मिलता है। लेकिन यहां खास बात यह थी कि वैदिक काल में जाति व्यवस्था इस तरह की नहीं थी जैसी आज हम उसे देखते हैं, बल्कि वैदिक काल की जाति व्यवस्था कई मामले में आज से कहीं ज्यादा आगे और बेहतर थी। मतलब उस समय जन्म के आधार पर जाति तय नहीं की जाती थी, बल्कि जाति को इंसान के कर्म के आधार पर तय किया जाता था। जो व्यक्ति जिस तरह का कार्य करते थे उन्हें उस वर्ण में रखा जाता था। जैसे कि कोई पढ़ाई का काम करता था तो उसे ब्राह्मण वर्ण में रखा जाता था। जो युद्ध करता था और युद्ध की ट्रेनिंग दिया करता था उसे क्षत्रिय वर्ण में रखा जाता था। जो अपना खुद का बिजनेस चलाता था उसे वैश्य वर्ण में रखा जाता था, और जो समाज के निम्न कार्यों में अच्छा है उसे शूद्र वर्ण में रखा जाता था। यहाँ तक कि वैदिक काल में राजा के बेटे को राजा बनने के लिए अपनी काबिलियत को सिद्ध करना होता था। यानी वैदिक काल में यह जरूरी नहीं था कि राजा का बेटा ही राजा बने, बल्कि राजा कोई भी हो सकता था जिसे कबीले यानी उस समय के जन के लोगों और संस्थाओं द्वारा चुना जाता था। अगर वैदिक सभ्यता की अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस काल में अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन था। ऋग्वेद से पता चलता है कि उस समय गाय को सबसे पूजनीय और मुख्य पशु के रूप में देखा जाता था, क्योंकि इस समय तक खेती में ज्यादा तरक्की नहीं हुई थी और लोगों को ज्यादा फसलों को उगाना भी नहीं आता था। इस समय ज्यादातर गेहूं की खेती की जाती थी, पर जैसा कि मैंने पहले कहा कि भोजन और अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा साधन गाय ही थी, और इसीलिए इस काल में गाय इतनी महत्वपूर्ण थी कि जब कबीले आपस में लड़ाई करते थे तो गायों को जीतने के लिए भी लड़ाई किया करते थे। और इसी तरह वैदिक काल करीब 500 सालों तक चला, जिसके बाद समय और समाज में कई परिवर्तन आए और यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई जिसे रिसर्चर्स ने उत्तर वैदिक काल कहा। उत्तर वैदिक काल। दोस्तों, जैसा कि हमने पहले जाना था कि पूर्व वैदिक काल में लोग कबीले बनाकर रहते थे और इन कबीलों को जन कहा जाता था, पर उत्तर वैदिक काल आते आते अब इन जन का आकार बड़ा हो गया था और अब इन्हें लोग जनपद कहकर बुलाते थे। वेदों में इस तरह के कुछ जनपदों के नाम देखने को मिलते हैं, जैसे कुरु जनपद। उत्तर वैदिक काल वही समय था जब भारत में लोहे की खोज हुई थी। इस लोहे की खोज से मनुष्य जीवन में एक क्रांति का दौर आ गया था, क्योंकि जहां पहले लोग तांबा, कांसा, टीन जैसे धातुओं का उपयोग कर रहे थे, वहां अब लोहे की खोज से बहुत ज्यादा परिवर्तन आ गया था, क्योंकि लोहा इन सब से काफी मजबूत धातु था। लोहे की खोज से ज्यादा अच्छे औजारों का निर्माण होने लगा और इससे खेती करना भी काफी ज्यादा आसान हो गया, जिसके कारण खेती में भी काफी ज्यादा तेजी देखने को मिली और लोगों का रहन सहन काफी अच्छा होने लगा। लोगों की अर्थव्यवस्था के सुधार से उस समय बाकी क्षेत्रों में भी सुधार देखने को मिला, क्योंकि इस समय लोगों की स्थिति काफी अच्छी थी। इसीलिए इस समय वैदिक काल की तरह अपनी इच्छा से टैक्स देने का नियम नहीं था, बल्कि इस समय लोगों पर यह एक नियम की तरह था कि वह नियमित रूप से अपने टैक्स राजा को भरे, जिसके कारण उत्तर वैदिक काल में पूर्व वैदिक काल की तुलना में राजा ज्यादा अमीर हुआ करते थे, जिनके पास काफी बड़ी सेना और बड़े बड़े महल हुआ करते थे, और इस समय राजा के अधिकार भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। अब राजा अपनी मर्जी से किसी भी फैसले को सुना सकता था। वैसे अभी भी उसे कई संस्थाओं और अपने अधिकारियों से सलाह मशवरा लेना पड़ता था, लेकिन वह किसी भी तरह से इन सभी की बात मानने के लिए मजबूर नहीं था। वेदों से पता चलता है कि उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था का रूप
पूर्व वैदिक काल से बिल्कुल पलट चुका था और बहुत कठोर भी हो चुका था। अर्थात अब वर्ण व्यवस्था कर्म के आधार पर नहीं बल्कि जन्म के आधार पर की जाने लगी थी। यानी उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था बिल्कुल आज की जाति व्यवस्था का रूप ले चुकी थी, बल्कि आज से भी ज्यादा क्रूर थी। यानी जो इंसान जिस वर्ण यानी जाति में पैदा होगा वह उसी जाति का काम करेगा और उसी जाति का कहलाएगा। इस सभ्यता के लोग भी वैदिक काल की ही तरह काफी धार्मिक हुआ करते थे और उनका मानना था कि सभी भगवान में विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड की कर्ता धर्ता है। दोस्तों यह थी हमारी आज की वीडियो वैदिक सभ्यता और वैदिक काल के इतिहास के बारे में। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो हमें कमेंट में जरूर बताना। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा।